दोस्तों यह शिवसागर जो कि असम राज्य का एक ऐतिहासिक नगर है। 600 साल से भी लंबे समय तक अहम राजाओं की राजधानी रहे ये शहर अपने अंदर अनेक पर्यटन स्थलों समोए हुए है। यहाँ पाए जाने वाले अहम काल के ऐतिहासिक स्मारक को इस शहर की जान समझा जाता है। हालांकि आज के समय शिवसागर में ढेरों तेल और चाय के बागान हैं, जिससे ये ऊपरी असम का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है। तो लगभग 12 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला शिवसागर टाउन गुवाहाटी से 360 किलोमीटर दूर पूरब में स्थित है एंड पॉपुलेशन 60,000 के करीब है, जिसमें के 78.49% हिंदू, 20.22% मुस्लिम, वहीं कुछ अन्य धर्म के लोग भी यहां पर निवास करते हैं। शिवसागर जिला में ज्यादातर लोग एजुकेटेड है। यहां पर रूरल एरिया में 85% इन अर्बन एरिया में 92.86% लोग पढ़े लिखे हैं। चूंकि ये शहर लंबे समय तक अहोम की राजधानी रहा है, इसलिए यहां पर महान अहोम शासकों की कई निशानियां देखी जा सकती है। शिवसागर तालाब शहर का सबसे बड़ा आकर्षण है। 200 साल से भी ज्यादा पुराने इस तालाब की ऊंचाई शहर की ऊंचाई से भी अधिक है। तालाब के चारों ओर शिव डोल, वैष्णो डोल और देवी डोल नाम से तीन महत्वपूर्ण मंदिर है, जिनका निर्माण 1734 में रानी मदंबिका ने करवाया था। इसके अलावा तलातल घर, करेंग घर और गरगा महल शहर के कुछ खास आकर्षणों में से है। तलातल घर एक 7 मंजिला महल का ग्राउंड फ्लोर है, जिसमें 2 गुप्त सुरंग भी हैं। वहीं महल के ऊपरी हिस्से को करेंग घर के नाम से जाना जाता है। अगर आप शिवसागर में घूम रहे हैं तो रंगघर नामक नाच घर को देखना ना भूलें। रंगघर की छत किसी उल्टे रखे नाव की तरह दिखती है। असम के संस्कृति, कला, हस्तशिल्प और परंपराओं को देखना हो तो शिवसागर एकदम परफेक्ट है। वैसे आप यहां पर नामदांग स्टोन ब्रिज का भी प्लान बना सकते हैं। जोरहाट से शिवसागर की ओर जाते समय आपको रास्ते में एक 300 साल से भी अधिक पुराना छोटा सा पुल मिलता है। इस पूरे पुल को एक ही पत्थर से बनाया गया है। नामदांग नदी पर बना हुआ ये पुल अब राष्ट्रीय राजमार्ग 37 का भाग भी है। शिवसागर की जलवायु काफी सुहावनी होती है। यहाँ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रिपोर्ट किया गया है, वहीं न्यूनतम 7 डिग्री तक चला जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी डेवलपिंग एरिया है। सड़क मार्ग की अच्छी होने के कारण शिवसागर देश के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। शिवसागर टाउन यहाँ का रेलवे स्टेशन है। इन 16 किलोमीटर की दूरी पर सिमलीगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन जिला का जंक्शन स्टेशन है। वहीं 55 किलोमीटर की दूरी पर जोरहाट एयरपोर्ट सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है।